डीएवी स्कूल पिहोवा और अभिभावकों का आपसी झगड़ा सड़कों पर उतरा। डीएवी स्कूल पिहोवा और बच्चों के पेरेंट्स का आपसी झगड़ा बढ़ता हुआ सड़कों पर आ गया है। यह झगड़ा स्कूल के डेवलपमेंट चार्ज को लेकर है, जो कि पिछले 2 साल से आपसी खींचतान के चलते अब इतना बढ़ गया है कि बच्चों के माँ बाप इस झगड़े को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल डेवलपमेंट चार्ज बेवजह लगा रहा है, जो कि कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। हमारा पिछले 2 साल से स्कूल के साथ डेवलपमेंट चार्ज को लेकर केस चला हुआ है, और सरकार का एक नियम है कि फार्म 6 जो स्कूल 31 दिसंबर तक जमा नहीं करवाता वो अगले साल बढ़ी हुई फीस नहीं ले सकता। ये स्कूल अवैध वसूली पे आ रहा है, ना ये किसी कानून को मानते। जो अपना क्षेत्र का डीओ है उसके पास सरकार से लेटर आए हुए हैं, वो उनको नहीं लागू करवाता। स्कूल के साथ मिला हुआ है, डीओ और स्कूल प्रशासन एक ही है, और लोकल कमेटी का जो चेयरमैन है सिद्धेश्वर मुरार, उन्होंने अपना स्कूल खोल लिया, उसके भी वो चेयरमैन है। वो क्यों चाहेंगे स्कूल चले, वो भी नहीं बोला चाहते स्कूल का, डीएवी स्कूल को वो भी बंद करने के कगार पे चल रहे हैं। आप किस स्कूल पर डीएवी पब्लिक स्कूल पे वागी, हमारा डीएवी पब्लिक स्कूल पे वागी साथ चला हुआ है जी। डेवलपमेंट चार्ज पे रोक है, वो भी सरकारी आदेश है 29-1 का, एचईएस कोर्ट का आदेश है, उसको भी नहीं मानते। अवैध वसूली पर उतार हुआ, बच्चों के साथ पार्सलिटी कर रहे हैं। जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी हमारे साथ है, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स एसोसिएशन में है उनके बच्चों के साथ ये पार्सलिटी करते हैं, किसी कापियाँ नहीं चेक करते, किसी बच्चे को होमवर्क नहीं देते। नियमानुसार जो फीस देने के लिए हम तैयार है, जो सरकारी नियम कहते हैं उसके लिए फीस हम आज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूल फिर भी फीस लेने से मना कर देते हैं। बी एस साहब, ये बताइए कि जो डीएवी स्कूल पिहेवा और बच्चों के पेरेंट्स के बीच में झगड़ा चल रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? ये फीस को लेके कुछ तनातनी है, जिसका मामला अम्बाड़ा कमिश्नर लेवल पे चल रहा है, और उसमें अभी 24 डेट लगी थी पीछे, और उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, शायद आगे डेट लगी है इसमें। और इसके बारे में जो उच्चाधिकारी कहेंगे, जो आदेश मुझे देंगे, मैं कर दूँगा। इसके ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मुझे नहीं है।